आप भी कर रहे हैं सूर्यास्त के समय ये काम, तो हो जाइए सावधान। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। हिंदू धर्म में लोग घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन इन कार्यों को करने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि सूर्यास्त के समय कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी खुशहाल जिंदगी में कई तरह के संकट आने लगते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें शाम यानी सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय ये काम करने से घर में सुख समृद्धि चली जाती है, साथ ही व्यक्ति की तरक्की में बाधा भी आती है और उसे आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन करने से व्यक्ति अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लेता है। वहीं किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को सूर्यास्त के समय सोना या फिर लेटना नहीं चाहिए। ऐसे में घर में बरकत चली जाती है, साथ ही धन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सूर्यास्त के समय भगवान की आराधना करने से सकारात्मकता आती है। सूर्यास्त के समय यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय पुरुषों और महिलाओं को ऐसी भावनाओं से दूर रहना चाहिए। वहीं शाम के समय जन्म लेने वाले बच्चों को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बताया गया है कि शाम के समय वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस समय ध्यान और साधना करना ही उत्तम माना जाता है। इसी के साथ सूर्यास्त के समय पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। ऐसे में घर में पैसों की कमी आ जाती है और खर्चे ज्यादा होने लगते हैं। वहीं सूर्यास्त के समय नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही कभी बाल काटने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। यदि आप भी सूर्यास्त के समय ऐसी गलतियां कर रहे थे तो आज ही सावधान हो जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।